डिस्क्लेमर, इस वीडियो से मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता, बीट आमिर माजिद या फिर UK07 राइडर। इस वीडियो का मोटिव है ऑडियंस को समझाना कि किस टाइप का कंटेंट उन्हें कंज्यूम नहीं करना है एंड इस एक्सपोज कल्चर में कौन सही है और कौन गलत। सो बेसिकली जिन्हें इस इंसिडेंट के बारे में जरा सी भी नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली एक यूट्यूबर है जिसका नाम है UK07 राइडर। उसके अच्छे खासे व्यूज आते हैं यूट्यूब पे और उसकी शादी होने वाली है एक और यूट्यूबर से जिसका नाम है सव्या केसी, जिसके लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं एंड उसके भी डिसेंट व्यूज आ जाते हैं। अब कुछ दिनों पहले आमिर माजिद के साथ UK07 का कुछ इशू हुआ था, जिसके चक्कर में आमिर माजिद ने पूरी एक डिस्ट्रैक्ट निकाल दी उसके नाम पे। एंड अभी कुछ दिनों पहले एक और यूट्यूबर है जिसका नाम है बियर बाइकर सैमी, तो उसने भी एक वीडियो निकाली एक्सपोज करते हुए UK07 राइडर को एंड उसकी होने वाली वाइफ को। सो बेसिकली उस एक्सपोज वीडियो में सैमी एक वीडियो प्ले करके दिखाता है जिसमें यू कैन क्लियरली सी कि सव्या केसी जो है, जो कि एक यूट्यूबर है आज के वक्त, उसने काफी कुछ ऐसा कह दिया जो कि नहीं कहना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग एंड उसे रिकॉर्ड किया था सैमी ने। अब वो जो रिकॉर्डिंग थी वो उसने पब्लिक कर दी इंटरनेट पे। तो अब हमारे UK07 राइडर ने एक पूरी एक IGTV वीडियो निकाल दी सेइंग कि उसे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई तुम्हें वीडियो में प्रूफ दिखा रहा है तो ऑडियंस को भी क्या ही समझ आएगा, वो तुम्हें भी पता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रूफ, तो जितने भी प्रूफ दिए गए थे वो एक्चुअली काफी ज्यादा सॉलिड थे एंड ऐसी चीजों को डिफेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस टॉपिक पे इतनी लेट वीडियो क्यों निकाल रहा हूँ, तो इसका बहुत ही मेजर रीजन ये है कि मुझे ये चेक करना था कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है वो कितने दिनों तक चलती है एंड कौन सा क्रिएटर कितनी जल्दी मूव ऑन कर पाता है अपने चैनल पे। और अब ये कॉन्ट्रोवर्सी लगभग एंड की तरफ आ चुकी है एंड दैट इज द रीजन मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर सिनेरियो, तो इसमें UK07 राइडर कि डेफिनेटली काफी ज्यादा फॉल्ट थी, इसी के साथ साथ सव्या केसी की भी काफी ज्यादा फॉल्ट थी, बट एट द सेम टाइम जो दूसरी तरफ से आमिर माजिद और बियर बाइकर सैमी ने किया, दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर जिसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। एंड इस केस में आमिर माजिद और बियर बाइकर सैमी दोनों के चैनल पे 1-1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो डेफिनेटली यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम्हें जब 10 लाख लोग से ज्यादा लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे, देन यू शुड मेक श्योर कि यार आज अगर तुम बना रहे हो एक्सपोज वीडियो किसी और पे, तो कल को क्या पता दूसरा क्रिएटर तुम पे भी एक्सपोज वीडियो निकाले। ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं इन्हें यूजुअली बात करके सॉल्व किया जाता है, ना ही इंटरनेट पे वीडियोस बना के। बट हाँ, डेफिनेटली अगर सारे यूट्यूबर्स इन्वॉल्व हैं तब तो यार वीडियो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसी से व्यूज आने वाले हैं। अब देखो, UK07 राइडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में अचानक से ये हुआ, वो भी एक ऐसे क्रूशियल टाइम पे जहां उसकी शादी होने वाली है। और कोई कितना भी इग्नोर कर ले, इंटरनेट पे हेट से बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम पे जाके लोग इतने ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि शायद वो तुम्हें कॉल करके भी सेम बातें बोलने लग जाए। सो डेफिनेटली सव्या और UK07 राइडर के पर्सपेक्टिव से तो ये काफी ज्यादा गलत चीज थी, बट हाँ, एट द सेम टाइम उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था बियर बाइकर सैमी को रिगार्डिंग हिज ऑडियंस पावर, और अगर कुछ बातें वो बता देता है अपनी ऑडियंस को तो उसकी ऑडियंस भड़क जाएगी और बियर बाइकर के चैनल पे जाके उसे हेट देने लग जाएगी। टॉकिंग अबाउट आमिर माजिद, तो यार इस सिनेरियो में आमिर माजिद एक अननेसेसरी एलिमेंट है जिसकी कहीं पे भी जरूरत नहीं है। सो आमिर माजिद बस उस फ्लेम को जलाने का एक पार्ट था, और जब ये आग जल गई तभी सैमी ने अपनी एक वीडियो निकाल दी एंड उसी के साथ लक्ष्य ने, एल्विस यादव ने, सम्राट भाई ने, बेरोजगार ने, सब ने अपनी एक एक वीडियो निकाल दी। अब ऑनेस्टली अगर बताऊं तो आमिर माजिद को भी बहुत अच्छे से पता था कि ये जो लक्ष्य और उसकी जो आर्मी है एल्विस, सम्राट, बेरोजगार की, ये लोग यूजुअली ई लफड़ा को कवर करते हैं एंड उसे पता था कि कितना रीच उसे मिलने वाला है उसके चैनल पे। मे बी हेट के फॉर्मेट में हो गया, बट डेफिनेटली रीच तो मिलना ही है। सो मे बी दिस कुड बी द रीजन जिसके वजह से आमिर माजिद जानबूझ के अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज और वीडियोस में पोक कर रहा था लक्ष्य एंड उसकी पूरी गैंग को, जस्ट लाइक थाराभाई जोगिंदर जो कि टाइम के साथ आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सही है और कौन गलत है, तो उसका डिसीजन पब्लिक लेगी, क्योंकि एज एन ऑडियंस इंटरनेट पे किसी से भी मैनिपुलेट होना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आज मैं कह दूं कि आमिर भाई सही था तो तुम लोगों को लगेगा कि हाँ आमिर सही था, एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं कि अनुराग भाई सही था तो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई अनुराग भाई सही था। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स। बात की जाए अबाउट द मेजर मोटिव ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी, तो डेफिनेटली वो व्यूज था, रीच था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम यूट्यूबर हो और तुम किसी और के साथ ई लफड़ा कर रहे हो तो व्यूज मैटर अलॉट। और ये चीज तुम्हें क्लियरली दिख जाएगी लक्ष्य और सम्राट की वीडियो में, क्योंकि उनकी वीडियोस भी स्पॉन्सर्ड थी। अब काफी लोग पूछ रहे थे कि वाज इट स्क्रिप्टेड, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड तो नहीं थी, बट हाँ इस चीज को प्रोपागेट करना, इस चीज को बढ़ावा देने में काफी बड़ा रोल था आमिर माजिद का। तो अब बात आती है कि इससे लॉस किसका हुआ, तो भैया इंटरनेट पे किसी का भी कॉन्ट्रोवर्सी से लॉस नहीं होता, इनफैक्ट प्रॉफिट जरूर होता है। तुम खुद चेक करके देख लो कि जितने भी लोग इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी में थे उनके चैनल पे व्यूज ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा आ रहे हैं नॉर्मल वीडियोस से। सो एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेट ई लफड़ास का अल्टीमेटली कोई रिजल्ट नहीं होता, इनफैक्ट जो
लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो ज़रूर फेमस हो जाते हैं, एंड इन फ्यूचर इनका सेटलमेंट भी काफ़ी आराम से हो जाता है। सो इफ यू रियली वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज कॉन्ट्रोवर्सीज, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एवरी अपडेट ऑफ वीडियोज। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय। जगह है अपनी पर अपना ना कोई, सोते सपने पर ये आंखें ना सोई, आंखें भी सोई पर आया नहीं कोई, पर आया भी अपना बस अपना है वो ही, कोई जिन पे सारी बातें ये, जिनके लिए लिखते गाते ये, जो वादे के नाते बहाने बनाते पर असल में नजर नहीं आते।